हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अक्सर आपने देखा है मेरी बहुत सी वीडियोस के जरिए और शायद आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी सुना होगा कि अगर तू घर से बाहर निकल रही है तो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन जरूर लगाना। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप घर से बाहर धूप में निकल रही हैं तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हमें सच में सनस्क्रीन लगानी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज अपनी इस वीडियो से मैं आपको इसी बात का जवाब देने आई हूँ ताकि आप अपने आप को सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सकें, अपनी बॉडी को सनटैन से बचा सकें और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सनबर्न की समस्या है तो उससे भी आप अपने आप को निजात दिला सकें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम सूरज की हानिकारक किरणों में बिना सनस्क्रीन लगाए ऐसे ही निकल जाते हैं तो कुछ देर बाद हमारे चेहरे का कलर वो नहीं रहता है जो असल में होता है। हमारे चेहरे पर एक अजीब सी डार्कनेस आ जाती है और उस डार्कनेस को हटने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। अगर आप एक दिन ऐसा करती हैं तो ये आपके चेहरे से 20 दिनों के अंदर हट जाएगी, लेकिन अगर आप रोजाना ऐसा करती हैं तो आपका चेहरा काला ही पड़ता चला जाएगा। इसीलिए सनटैन से बचने के लिए आपको सूरज की हानिकारक किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अपनी त्वचा के अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन को सेट करिए और SPF 20 से अधिक SPF की ही सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर लगाइए और अपनी बॉडी पर लगाइए और फिर देखिए जादू के सूरज की हानिकारक किरणें आपकी त्वचा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।